दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब से ईडी ने हिरासत में लिया है तब से ही सीएम केजरीवाल की एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे, कुछ ऐसा ही हाल अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ हो रखा है। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों में इजाफा हुआ है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आप पार्टी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल सकता है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट भी लगातार इस मामले में केजरीवाल को झटके पे झटके दिए जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2024 को ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि वो कठोर रूप से दिल्ली में शराब नीति बनाने और घूस मांगने में व्यक्तिगत रूप से शामिल है, साथ ही आपके संयोजक के रूप में भी वो इस अपराध में शामिल है। हाईकोर्ट का कहना है कि राजनीतिक दल पर भी पैसे की हेराफेरी के अंतर्गत पीएमएलए कोर्ट में मुकदमा चल सकता है और इसी के मद्देनजर जब सीएम केजरीवाल का कोई रास्ता नहीं दिखा तो अब उन्होंने तलब किया सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना उन पर ही भारी पड़ गया क्योंकि अब तलवार उन पर या उनके करीबियों पर नहीं बल्कि आप पार्टी के नेताओं पर लटक रही है। वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल से मिलने की अनुमति भी राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पंजाब सीएम भगवंत मान को नहीं दी है, जिसके चलते सीएम केजरीवाल ने अब गिरफ्तारी को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी अनुमति देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि वे सुरक्षा कारणों के चलते ऐसा नहीं कर सकते हैं। गौरतलब है कि हाल ही के समय में संजय सिंह शराब घोटाले मामले में जमानत पर बाहर आए हैं और आते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी, सीबीआई और बीजेपी पर कई बातें बोल डाली और अब अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने के निर्णय के विरोध अब सुप्रीम कोर्ट को तलब कर डाला है। हालांकि अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से या अरविंद केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट तलब करने से अब मुश्किलें किसकी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं या कहीं कि ऐसा कहा जा रहा है कि अब मुश्किलें आप पार्टी की बढ़ सकती हैं क्योंकि एक के बाद एक सीएम केजरीवाल के बाद तमाम उनके और नेता हैं जिनको समन जारी कर दिए जा रहे हैं और हर दिन एक के बाद एक ईडी लगातार समन जारी कर इनकी गिरफ्तारी कर रही है, जिससे अब इतना तो साफ हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल तो डूबेंगे ही लेकिन अपनी पार्टी को साथ लेकर डूबेंगे। फिलहाल अब देखना यह है कि आने वाले समय में या आने वाले लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर या आप पार्टी का जिस तरह से वर्चस्व अब दिल्ली से खत्म होता जा रहा है, अब आने वाले चुनाव में इसका असर कैसे देखने को मिलता है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।